फैसले और फिर सीएम नीतीश के जवाब पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी सीएम नीतीश कुमार को उनके बयानों की याद दिला रही है, तो जेडीयू और महागठबंधन बीजेपी पर हमलावर हैं। दरभंगा में बीजेपी का बयान, सियासत में मचा घमासान। एक बोझ हो गए, समझौता करता जिसके बाद ताकत होती। जवाब में नीतीश का पलटवार, बीजेपी पर करारा प्रहार। समझ लीजिए सब बोगस बात है, काहे के लिए बोल रहा है। दरभंगा में बीजेपी का बयान और फिर सीएम नीतीश के पलटवार पर बिहार की सियासत में संग्राम छिड़ गया है। अब नीतीश के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने निशाना साधा है और सीएम नीतीश को उनके बयानों की याद दिलाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2016 में कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 6 साल बाद उसका दूसरा एपिसोड अभी देखने को मिल रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मर जाएंगे मगर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और बिहार की जनता को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस डायलॉग को तीसरी बार कभी नहीं बोल पाएंगे। नीतीश कुमार जी शर्म कीजिए, बिहार की जनता अब सब कुछ जानती है। अब जनता तय करेगी कि 24 में आपको कितने सीटों पर शून्य बहुत बड़ा अंडा आकार में आपको मिलने जा रहा है, इससे अधिक कुछ नहीं मिलेगा। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने भी नीतीश कुमार पर करारा वार किया है। राजकार्य समिति की बैठक हुई, उसमें ये बातें साफ हो गई है। चूंकि लोग कहते हैं कि कोई ऐसा नीतीश कुमार जी ऐसे हैं जो कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगने का काम नहीं किया, कि ठग हैं और ठगबंधन के साथ हैं, उनको भी धोखा देंगे। बीजेपी के बयान के जवाब में वित्त मंत्री विजय चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हताशा और बेचैनी में ऐसे बयान दे रही है। तो ये तो भाजपा के अंदर की कमजोरी ही बयां करते हैं ना, कि भाजपा के पास नीतीश कुमार जैसा कोई विश्वसनीय और सर्वमान्य चेहरा नहीं है। और ये तो नीतीश कुमार के नेतृत्व की या उनके उपलब्धियों के आधार पर न कोई नीतीश कुमार को नेता मानते हैं। सीएम नीतीश पर बीजेपी के हमले पर महागठबंधन ने बीजेपी को खुद के गिरेबा में झांकने की सलाह दी है। ये तो उनका वक्तव्य ही गलत है। नीतीश जी खुद एनडीए छोड़ करके महागठबंधन में शामिल हुए हैं, बीजेपी अलग नहीं हुई थी, नीतीश कुमार खुद अलग हुए हैं। तो अब नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि हम कभी भी बीजेपी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे और जदयू के लोगों पर डोरा डालते हैं। उनको क्या चिंता है बिहार में, हम नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। अरे ये तो लोकतंत्र में जरूरत के हिसाब से एक पार्टी दूसरे पार्टी को साथ देती है विकास के नाम पर। आप नहीं जाएंगे जनता के लिए कोई इशू है? इशू तो जो है उस पर बात करिए ना भारतीय जनता पार्टी के नेतागण। और आप नहीं जाएंगे, आपसे पूछ कौन रहा है कि आप आइएगा कि नहीं आइएगा? जब आपको पूछेगा तब ना बोलिएगा हम कहां जाएंगे नहीं जाएंगे। बीजेपी के बयान पर बिहार में सियासी घमासान छिड़ चुका है। बीजेपी नीतीश को उनके बयानों की याद दिला रही है तो महागठबंधन बीजेपी को नसीहत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।